देश में फैली कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब समाप्त होती दिखाई दे रही है। देश में उस समय संक्रमण दर काफी कम हो गई, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक बंदी को भी समाप्त कर दिया। जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं, वैसे ही स्कूलों को भी खोला जा रहा है, जिसको देखते हुए गाजियाबाद में सरकार के आदेशों के बाद अब 6 से कक्षा 8 तक के स्कूलों को भी खोल दिया गया। दरअसल सरकार के आदेशों के बाद बीते 16 अगस्त को कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया था, जिसके बाद अब कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूलों को भी खोला गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में स्थित नगर निगम बालिका विद्यालय में स्कूल प्रधानाचार्य, अध्यापक और बच्चों को शासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसका पालन कराया जा रहा है। स्कूल के गेट पर सैनिटाइज किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। बहुत दिनों के बाद अभी तो अगस्त चल रहा है। आप स्कूल पहुंचे, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद स्कूल आई हूं। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स ने भेजने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं बोला? नहीं। अच्छा, तो घर पर पढ़ाई कर रहे थे, तो ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी लगती है या ऑफलाइन अच्छी लगती है स्कूल में आके? स्कूल में आके ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, तो जो कोरोना काल है, प्रोटोकॉल पूरी तरीके से मास्क पास लगा के आए, सैनिटाइजर वगैरह लेके आए ना? बड़े जागरूकता के साथ आ रहे हैं और साथ ही साथ जो है हम भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। गेट पे ही सैनिटाइज 800 मीटर और उन्हें मास्क लगाने का भी हिदायत दे रहे हैं। साथ ही साथ कक्षा में भी हमारे जो कक्षा अध्यापक भी हैं, वे भी जो है उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना जरूरी है और एक दूसरे से कोई वस्तु आदान प्रदान न करें। इसमें कोई शिथिलता हम नहीं बरत रहे हैं कि बच्चों के साथ कहीं कोई जो है नुकसान हो। बच्चे 50% प्रथम पाली में और 50% जो है द्वितीय पाली में आएंगे। आज तो पहला दिन है। आपको बता दें कि बच्चों के अनुमति पत्र को चेक किया जा रहा है, उसके बाद बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जा रही है। वहीं स्कूल खुलने के बाद बच्चों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है कि कोरोना की लहर के बाद फिर से वे स्कूल आएंगे।